हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि LMRC लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसे आप UPMRC उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं, इसका एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो चुका है। इसलिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक 15 डेज का सिविल क्रैश कोर्स, जिसमें हम करने वाले हैं 30+ आवर्स की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, 250+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लाइव रिविजन्स, और जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उन सभी की आपको PDF भी मिलेगी। और किसी भी तरह का स्पेशल डिस्काउंट पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड Y173। गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका SSC अड्डा पर। मैं ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ साइंस की क्लास लेकर, जिसमें दोस्तों हम लोग आज देखने वाले हैं, ये आपकी NTPC की मैराथन क्लास है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे NTPC रेलवे के अंदर पूछे गए कुछ मुश्किल सवालों को, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए और जो आपके अपकमिंग जो NTPC का एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के कुछ अच्छे अच्छे सवालों को। चलिए, तो सभी बच्चे जुड़ गए हैं, राजू शर्मा जी, फुकू मिश्रा जी, राजपूत आयुष जी, काजल तिवारी जी, रुचि कुमारी जी, रोहिणी राठौर जी, इंताज अंसारी जी, बबीता जी, नेहा सरोज जी, आटा मेहर जी, भानु कुसुमुरी जी, रेवनाथ कुमार जी, मनीष गुप्ता जी। चलिए, सभी बच्चे जुड़ गए हैं, तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे। अंजलि आरव जी, बहुत बढ़िया। रोहित कुमार जी, मानसी बहरा जी, सोनी साहू जी, दीपक गुज्जर बैसला जी, सभी बच्चे जुड़ गए हैं। तो कंप्यूटर जी, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को समय को बर्बाद ना करते हुए। आज का पहला सवाल कंप्यूटर के स्क्रीन पर लाया जाए। सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों ने मेरे हिसाब से रिवीजन किया होगा, अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, ताकि कल वाली गलती आज आप लोगों से ना हो। आज आप लोगों से ऐसी उम्मीद है कि टोटल 60 सवाल हैं, इसमें हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि हर बच्चे मिनिमम जो है 50 मार्क्स तो लाएं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर जी, पहला सवाल लाया जाए आज का। चलिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस एल्बुमिन, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड सीरम। मानव रक्त, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा अंग रक्त के सीरम के प्रमुख घटकों में से एक एल्बुमिन का उत्पादन करता है। आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं, इसका आप लोग जवाब दीजिए। काजल जी, सभी सब्जेक्ट के, तीनों ही सब्जेक्ट के MCQ हैं यहाँ पर, ठीक है, मिक्स MCQ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के ही MCQ हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और ध्यान से सवाल को पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को जवाब देना है। बिल्कुल शिवानी जी, अभी 12 बजे से 2 बजे तक मैथ की ही क्लास हुई थी, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप जाकर जवाब देंगे। और जैसा हमें एक्सपेक्टेशन था, बच्चे गलतियां कर रहे हैं और अभी तक एक भी बच्चे का सही जवाब नहीं आया है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं है दोस्तों, हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने जब पढ़ा था दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग, याद कीजिए, वहां पर मैंने आप लोगों को 5 प्रोटीन के बारे में बताया था, जिसका नाम था एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हैपरिन, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रॉम्बिन। ये सभी जो मतलब प्रोटीन है, इन सभी प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, इस सभी प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन हम लोग कहते हैं किसे, वो कहते हैं किसे, लीवर को। तो थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक का भी यूज़ करना था
कि एल्बुमिन की बात की जा रही है, तो एल्बुमिन कहाँ पर, एल्बुमिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, और हमारे शरीर में जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन किस ऑर्गन को कहते हैं बेटा, तो किसे कहते हैं, लीवर को। तो थोड़ा सा लॉजिक भी अगर आप लगाते तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते थे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, दैट इज लीवर। लीवर इज द राइट आंसर, यकृत इसका करेक्ट उत्तर है। क्लियर है? और सभी बच्चों से इसलिए मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि कृपया प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए प्रश्न को। ब्लड देखकर सीधा प्लीहा या अस्थि मज्जा नहीं बताना है। यहाँ पर ब्लड के अंदर मौजूद किसकी बात, एल्बुमिन की बात की जा रही है। एल्बुमिन जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। लीवर ही और भी बाकी सारे प्रोटीन का भी निर्माण करता है, और इसलिए लीवर को रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन या केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। तो ऐसी जल्दीबाजी ना करें, ठीक है? तो चलते हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि सारे सवाल ऐसे ही लॉजिकल सवाल हैं, सारे ही सवाल ऐसे कंफ्यूजिंग सवाल हैं। तो प्रश्न को बार बार मैं बोल रहा हूं ध्यान से पढ़ेंगे, और सभी बच्चों से मेरा ये एक्सपेक्टेशन है 50 प्लस लाने हैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज करा होगा तो। तो दूसरे सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, दूसरा सवाल लाया जाए। और कंप्यूटर थोड़ा हो सके तो मार्कर, अगर पॉसिबल हो सके तो इंक इसमें अवेलेबल करा दीजिए, ठीक है? बिल्कुल इंताज जी, एग जो है, एग में भी एल्बुमिन पाया जाता है और हमारे शरीर के अंदर लीवर में भी उसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जमुनापारी इज अ ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जमुनापारी निम्नलिखित में से किसकी एक नस्ल है, गॉट की, सिप की, हॉर्स की या कॉ की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और सभी बच्चे शेयर भी करते रहे जल्दी से, ठीक है ना? सारे बच्चे शेयर भी करते रहिए, ठीक है? बहुत बिल्कुल लोकनाथ साहू जी, फास्टेस्ट रिकवरी ऑर्गन भी है लीवर, बहुत शानदार। और अभी चलिए, तो हमारे पास दूसरे सवाल का जवाब आना शुरू हो चुका है। भरत हरि बिंद जी, मैक्सिमम बच्चे यहां पर सही जवाब दे रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल आप लोग करेक्ट जवाब दे रहे हैं, इसका जो सही उत्तर है दैट इज गॉट, यानी कि बकरी का नस्ल है। जो जमुनापारी है ये किसका नस्ल है दोस्तों, ये किसका, बकरी का एक नस्ल है। और याद रखेंगे सिप, जब भेड़ की बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्लोनित पशु था, सबसे पहला जो क्लोन से तैयार किया गया पशु था वो क्या था, भेड़ ही था। और उस भेड़ का नाम क्या था दोस्तों, डॉली, आपको ये चीज पता होगा। और जब हॉर्स की बात करते हैं, हॉर्स के बारे में याद रखेंगे कि ब्लड प्रेशर की खोज सबसे पहले किस जानवर पर करी गई थी, तो ब्लड प्रेशर की खोज सबसे पहले घोड़े पर ही की गई थी, जिसका नाम था, जिन्होंने खोजा था उस व्यक्ति का नाम था स्टीफन हेल्स। क्लियर है पॉइंट? तो चलते हैं इसके बाद हम लोग अगले सवाल के ऊपर। कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राजू शर्मा जी बहुत बढ़िया, नरेंद्र जी बहुत बढ़िया, कुलदीप दत्ता जी बहुत शानदार, विनीत तिवारी जी बिल्कुल सही जवाब है बकड़ी। कंप्यूटर जी अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, अगला सवाल लाया जाए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल फूकू मिश्रा जी बिल्कुल सही जवाब है यहां तक। हमारे कंप्यूटर जी लग रहा है बिल, मेरी ताराचंद मेघवाल जी, डेली क्लास होती है 11 से 12 बजे दिन सुबह होती है, और शाम में 7 से 8 बजे होते हैं। कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्लोएरा इज फाउंड। और अभी हाल में दोस्तों ये सवाल बिहार SI के अंदर ये सवाल आई थिंक पूछा गया था, तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, और इसी तरह सभी बच्चे शेयर करते रहे वीडियो को। विकास वर्मा जी बिल्कुल स्पीड को बढ़ाएंगे, चिंता ना करें, ठीक है ना? धीरे धीरे बिल्कुल स्पीड को बढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्लोएरा इज फाउंड, और ये अभी हाल में बिहार SI में पूछा गया सवाल है। चलिए जवाब दीजिए इसका। प्लोएरा आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा दोस्तों, तो बिल्कुल इसका सही जवाब है दोस्तों क्या है, लंग्स। लंग्स की जब बात करते हैं तो फेफड़ा, फेफड़ा जो होता है, फेफड़े के अंदर दो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोली कहते हैं, वायु कोष्ठक कहते हैं।
जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ना उसे क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक। और लंग्स के अंदर दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं लंग्स के ऊपर ना एक मेम्ब्रेन टाइप का होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लूवेरा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या है, दैट इज ऑप्शन ए, यानी कि लंग्स इज द राइट आंसर। और लंग की स्टडी को क्या कहा जाता है, लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहते हैं, इस चीज को भी याद रखेंगे। क्या कहते हैं, लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है, जबकि ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी, लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों, हेपेटोलॉजी, और हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो कंप्यूटर जी चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, अगला सवाल लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। Who among the following were awarded Nobel Prize in 1958 for giving one theory, one gene, one enzyme? यानी कि आपसे ये प्रश्न है कि वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1958 में। फटाफट जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और सारे सवाल बेहतरीन सवाल हैं, ठीक है। और आप लोग शेयर भी करते रहिए दोस्तों वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहे। जो नए बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। लैंडस्टीनर और वीनर की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने आरएच फैक्टर की खोज करी थी, आपको पता है, ठीक है ना। तो यहां पर इस सवाल का जो सही उत्तर है, बिल्कुल हमारे पास सही जवाब आ रहा है। जयराम कुमार जी, सोनी साहू जी, अंजलि आरव जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सौविक बनर्जी जी बिल्कुल, सोनू यादव मेरठ जी, डी इज द राइट आंसर। डी इसका करेक्ट उत्तर, यानी जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड टैटम। आपको याद रखना है बीडल और टैटम, वन जीम वन थ्योरी किसने दिया था, बीडल और टैटम ने। जब हम लोगों ने सेल पढ़ा था तो याद कीजिए, वहां पर आप लोगों को यह चीज बताया भी गया था। तो इसका सही उत्तर है डी। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिफाइंस हाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट करेक्ट डिफाइंस हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया जो होती है उस बीमारी में क्या होता है, आपसे यह पूछा गया है। अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया भरत हरिबिंद जी, बिल्कुल सभी का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आपको जवाब देना है कि हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है। हम लोगों ने हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में भी कई बार पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, लोअर द नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन सिक्रेशन, लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोटीन, लोअर देन नॉर्मल सिक्रेशन वन ऑफ मोर ऑफ द 8 हार्मोन्स नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, लोअर देन नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है ना। जब ब्लड ग्लूकोज की जब कमी हो जाती है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तो उसके बारे में तो पता है कि ग्लूकोज ज्यादा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। और जब ग्लूकोज कम होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। यानी कि जो इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जितने भी बच्चे डी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अमरेश बर्मन जी बिल्कुल सही उत्तर है, हेमंत मिश्रा जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल राजा पटेल जी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डिजीज विच हैज ए नेम विद एन सफिक्स इन्फेलाइटिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ, कोई भी बीमारी जिसका नाम प्रत्यय इन्सेफेलाइटिस है, डैश का विकार है, नर्व्स का, ब्रेन का, लंग्स का, या हार्ट का। फटाफट जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसका जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, यहां पर हमारे पास जवाब आना शुरू हो चुका है। शर्मा कविता जी, हाइपोग्लाइसेमिया में ग्लूकोज बढ़ता नहीं है, ग्लूकोज घट जाता है। जब ग्लूकोज बढ़ता है अगर, तो उसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं, ठीक है ना। और इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहा है, ब्रेन। जैसे हम लोग बात करते हैं जापानीज इन्फ्लाइटिस या और भी कई तरह के, अगर किसी बीमारी का इंसेफेलाइटिस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो किससे संबंधित बीमारी है, ब्रेन से। क्योंकि डाई इंसेफेलोन ये क्या है, ब्रेन का एक क्या होता है, हिस्सा होता है डाई इंसेफेलोन, और वहीं से ये इंसेफेलाइटिस नामक वर्ड लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर बोथ एक्टिवेशन एंड एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन की सक्रियता और कार्रवाई दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। फटाफट जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत बढ़िया, अक्षय कुमार त्रिपाठी जी, राजेश जी, रुचि जी, अमित गंधर्व जी,
राजपूत आयुष जी, बिल्कुल सभी बच्चों का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आप लोग जवाब दें और सभी बच्चे शेयर करते रहिए। 4G नॉलेज जी, ये क्लास 4 बजे तक चलेगी अभी, और 4 बजे के बाद फिर आपकी रीजनिंग चलेगी। सुनील कुमार जी, मंडे को चलती है 12 से 1 बजे तक वहां पर चलती है क्लास, मंडे टू फ्राइडे। सुनील जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसका जवाब दिया जाए तो यहां पर याद रखेंगे, कई बच्चे यहां पर जल्दीबाजी नहीं करनी है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है तब जवाब देना है। काफी बच्चे यहां पर गलती कर रहे हैं। हम लोगों ने जब दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा था, याद कीजिए, तो हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग के लिए पढ़ा था कि थ्रोम्बिन को वहां पर थ्रोम्बिन और किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम प्लस प्लस आयन की जरूरत होती है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग यहां पर जो देखिए थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड क्लॉटिंग में किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम नामक तत्व की आवश्यकता होती है। यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैल्शियम प्लस प्लस आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। और याद रखेंगे ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के की जरूरत होती है और प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोप्लास्ट की भी आवश्यकता होती है, किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। जब हम लोग बात करते हैं ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कौन कंट्रोल करता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ब्लड में कैल्शियम के लेवल को एक हार्मोन होता है जिसका नाम है पैराथार्मोन, वो कंट्रोल करता है किसमें, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को, इस तथ्य को भी याद रखेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पर कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज फॉलोइंग कंडीशन विल गिव बर्थ टू फ्रेटर्नल ट्विंस, यानी कि निम्नलिखित स्थितियों में से कौन से फ्रेटर्नल ट्विंस को जन्म देंगे। फ्रेटर्नल ट्विंस का मतलब होता है दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि एक जैसे दिखने में नहीं हो, जो एक जैसे दिखने में नहीं हो, जो कि मतलब आइडेंटिकल नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। और मैटर्नल ट्विंस जो होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, जो मतलब जो जुड़वे होते हैं, जो कि आइडेंटिकल एक जैसे होते हैं, उसे हम लोग मैटरनल ट्विंस कहते हैं। तो इसका अब आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल, और याद रखेंगे दोस्तों ये जो सवाल है हमारा, ये किससे संबंधित है, ये मतलब आपका रिप्रोडक्शन से संबंधित है। एक एक ऑप्शन को सही से पढ़ेंगे फिर आप इसका जवाब देंगे। और सारे सवाल दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं, ठीक है ना। सुभाष कुमार जी, मैथ जो है 12 से 2 बजे तक हो गया है, चलिए यहां पर काफी बच्चे ये जवाब दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बोला, आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है ये, हमने बताया भी था आपको, जब जाकर हमारा जब कोई स्पर्म जाकर जब अलग अलग ओवम को फर्टिलाइज करता है, तो इससे क्या होता है, अलग अलग जायगोट बनते हैं, अलग अलग युग्मनज बनते हैं। तो यहां पर जो होता है, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, होते तो जुड़वे ही हैं लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के ट्विंस को क्या कहते हैं हम लोग, फेटर्नल ट्विंस कहते हैं। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 2X आर इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज बाय 2 डिफरेंट स्पर्म सेल। यहां पर 2 अलग अलग स्पर्म आकर 2 अलग अलग अंडाणु को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, निषेचित करेगा, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए से आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, ठीक है ना, सिंगल एज इज फर्टिलाइज देन जायगोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको रिप्रोडक्शन में पूरा डिटेल में मैंने इन सभी चीजों को सिखाया भी था, फिर भी आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने तपेदिक पर काम किया, हु अमंग द फॉलोइंग इज वर्कड ऑन ट्यूबरक्लोसिस, फटाफट जवाब दीजिए इसका, और सभी बच्चे शेयर भी करते रहो साथ साथ, है ना, शेयर और लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नाम तो सुना ही होगा आपने टीबी का, है ना, ट्यूबरक्लोसिस। और ये जब हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सोनी साहू जी, राजू शर्मा जी, पवन रॉ जी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे। इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों ए, यानी रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने ही क्या किया था, टीबी के जीवाणु की खोज करी थी। और याद रखेंगे जो रॉबर्ट कॉच हैं, जो टीबी का जीवाणु है क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसकी खोज करने वाले रॉबर्ट कॉच ही थे। टीबी के उपचार में दोस्तों याद रखेंगे किसका टीका लगाते हैं, BCG का टीका लगाते हैं, जो कि 48 घंटे के अंदर बच्चों में लगाया जाता है। BCG में B का मतलब बैसिलस, C का मतलब कैलामेट और G का मतलब यूरिन होता है। जिस टीके को खोजने वाले कौन थे, यूरिन
कालमेंट ने खोजा था, और टीबी के अंदर हमारे किस हिस्से पर प्रभाव पड़ता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, याद रखना है फेफड़ा यानी कि लंग्स प्रभावित होता है। और वर्ल्ड टीबी डे आप लोगों को पता है 24 मार्च को मनाते हैं। अगले सवाल पर कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और रॉबर्ट कॉच ने, याद रखेंगे, जो हैजा है, हैजा के टीके की भी खोज किसने करी थी, रॉबर्ट कॉच ने ही करी थी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर, ए फोर चैंबर हर्ट इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फटाफट प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आप लोग जवाब दें। वेरी गुड, कि चार चैंबर वाला हर्ट किसके अंदर पाया जाता है, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। और यहां पर प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण बहुत बच्चे गलतियां करेंगे, मुझे पता है इस बात का। जैसे अंजना अरविंद जी ने कर दी है गलती, कृष्ण मिश्रा जी ने करी है, शुभम गौतम जी ने करी है, ठीक है। यहां पर याद रखेंगे दोस्तों, कई बच्चों ने ऑप्शन में मैमल्स ओनली देखा और सीधा टिक लगा दिया है ना, ऐसी गलतियां होती है, और एग्जाम में ऐसी गलतियां प्रेशर में आकर करते हैं बच्चे, लेकिन ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। मैमल्स के अंदर चार होता है, मैमल फिश में कितने चैंबर के हर्ट होते हैं, दो चैंबर के हर्ट होते हैं, बर्ड के अंदर भी दोस्तों चार चैंबर के हर्ट होते हैं, तो यानी कि यहां पर जो, लेकिन एम्फीबियन जो उभयचर होते हैं उसमें त्री चैंबर हर्ट होते हैं, यानी कि यहां पर जो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि मैमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि स्तनधारी और पक्षी दोनों के अंदर ही चार चैंबर वाले हर्ट होते हैं। और बर्ड की जब स्टडी की बात करते हैं, बर्ड की स्टडी को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। बर्ड के जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, जो उसका आवाज उत्पन्न करने वाला जो अंग होता है, उसे सैरिंक्स कहते हैं। और याद रखना है दोस्तों, जो सबसे बड़ा पक्षी है दैट इज शुतुरमुर्ग, और सबसे छोटा पक्षी जो है वो है हमारा हमिंग बर्ड, जिसे हम लोग गुंजन पक्षी कहते हैं। तो अगले सवाल पर चलते हैं, कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। द ब्लड प्रेशर इज डिनोटेड एज फॉलोइंग। आप लोगों ने ब्लड प्रेशर के बारे में अब जानते हैं ना आप लोग, कि 120 अपॉन 80 होता है, ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन यहां पर अब देखिए किस प्रकार उसे डिनोट किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका आप लोग जवाब दिए। बहुत बढ़िया अक्षय कुमार त्रिपाठी जी, बहुत शानदार, जिसने भी सी जवाब दिया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं, ये भी आपको पता है, स्फिग्नोमैनोमीटर है ना, लेकिन ब्लड प्रेशर में जो होता है कैसे डिनोट करते हैं उसे, ये आपसे सवाल है। जब 120 जो होता है वो कैसा प्रेशर होता है, 80 जो होता है कैसा प्रेशर होता है, तो हमेशा आप लोगों को बताया गया है कि 120 जो होता है दैट इज सिस्टोलिक, और ये जो होता है कैसा होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी कि यहां पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, ए इसका क्या है, करेक्ट उत्तर है, आप लोगों को पता है, क्लियर है पॉइंट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिस्टोल का मतलब जानते हैं, हृदय का सिकुड़ना, हृदय का जो संकुचन होता है दैट इज सिस्टोल, और हृदय का जो फैलना होता है दैट इज डायस्टोल। और ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, हार्ट के द्वारा आर्टरी यानी कि धमनियों पर डाला जाने वाला जो प्रेशर होता है उसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं, कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा सही से नहीं मिलाया गया है, ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आप लोग जवाब देंगे। बहुत बढ़िया राज जी, बिल्कुल सोनी साहू जी, लोकनाथ साहू जी, अमरेश बर्मन जी, बहुत बढ़िया बबीता कुमारी जी, रुचि कुमारी जी, राजपूत आयुष जी, वीरेंद्र मीना जी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे, बिल्कुल करेक्ट उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद आप जवाब देंगे, इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 12, और साथ साथ सभी बच्चे शेयर भी करते रहेंगे वीडियो को। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, बिल्कुल सही है, और पेनिसिलिन को जो खोजा गया था पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक से प्राप्त किया गया था। बैरोमीटर की भी खोज किसने करी है दोस्तों, ई टॉर्सेली ने करी है, बिल्कुल सही है। एक्सरे की खोज भी विलियम रॉन्टजन ने करी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप एलिमिनेटिंग ऑप्शन से भी आप सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं, इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी पैरासूट की खोज WH कैरोथर्स ने नहीं करी है, ठीक है, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। अगले सवाल पर चलते हैं, कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा, यानी कि मानव रक्त का क्या अंश प्लाज्मा है, 35%, 45%, 50% या 55%, इसका जवाब दीजिए। जब हम लोग दोस्तों ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी,
ब्लड का पीएच मान आपको पता है 7.4 होता है। ये हमारे एक सामान्य मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ये सारे तथ्य आपको पता हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसका अंश कितना होता है हमारे ब्लड में। और सभी बच्चों के द्वारा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 55% क्या होता है प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में भी दोस्तों 90% क्या होता है वाटर, 7% प्रोटीन और 3% क्या होता है मिनरल और सॉल्ट होता है। ये भी आपको याद रखना है। जब प्लाज्मा की बात करते हैं प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन और 3% सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों हम लोग बात करते हैं 45% की, तो 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी। अगले सवाल पर कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के ऊपर एक अनुवांशिक कोड निर्दिष्ट करता है कि अमीनो एसिड कितने प्रकार का होता है। सिंपल सा साधारण सा सवाल है कि हमारे मतलब अमीनो एसिड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये सवाल है। 12, 15, 20, 25, फटाफट जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शोर एसके इंडिया जी, बहुत बढ़िया आशुतोष कुमार जी, वीआर स्टडीज जी, बहुत शानदार आशुतोष कुमार जी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। सिंपल सा सवाल है, अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं। सभी बच्चों को इसका जवाब पता होगा, अमीनो एसिड इज ऑफ 20 टाइप, यानी कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और अमीनो एसिड किस से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन, जिसको खोजा किसने, जे बर्जेलियस ने, है ना, जिसमें कि 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में रहते हैं और 10 प्रकार के हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगले सवाल पर कंप्यूटर जी अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जब त्वरित चूने का एक टुकड़ा पानी में डूबा जाता है तो यह बुलबुले देता है, यह बुलबुला निम्नलिखित में से किसके कारण है। क्विक लाइम, क्विक लाइम की बात कर रहे हैं, क्विक लाइम का मतलब पता है ना आपको, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी से क्या बनता है सीमेंट। जब उसको पानी में डालते हैं तो बुलबुला बनता है, क्यों बनेगा भैया बता दो, सिंपल सा है, बताइए क्यों बनेगा। बहुत बढ़िया लवकुश कुमार जी, बहुत शानदार, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं भी बुलबुला निकले तो आपको दिमाग में क्या रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में भी जो बुलबुला होता है इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सोडा में भी बुलबुला इसी के कारण, और याद रखेंगे दोस्तों जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है वहां पर भी इसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल लाया जाए कंप्यूटर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। मोती, पर्ल इज मेनली मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटीन, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका या सोडियम कार्बोनेट, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत बढ़िया जयराम जी, भरत हरि बिंद जी, सूरज कुमार जी, अमूल खान जी, राजेश कुमार जी, बहुत शानदार, टीक राम टांडे जी, बी एस पांडे जी, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 16। मोती मुख्यतः किससे बना होता है, प्रोटीन से, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, सोडियम कार्बोनेट। मेरा नाम शंकर जी, ज्ञान प्रकाश झा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक में नाइट्रोजन भी होता है लेकिन जो बुलबुले वहां पर बनते हैं वो किसके कारण, वो बनते हैं दोस्तों याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। 16 की जब बात करते हैं तो काफी बच्चे बिल्कुल सही जवाब, प्रीतम वाजपेयी जी, हरिओम प्रजापति जी, मैक्सिमम 90% से ज्यादा बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों बिल्कुल CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट। इसी कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना होता है, पर्ल या मोती, इसी से मिलकर बनता है। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 और इनटू 10H2O, इसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, आपको पता है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग खड़िया या जिसे हम लोग चूना भी कहते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ब्रिंग आउट द इनकरेक्ट यूजेस। इनकरेक्ट यूजेस को आपको क्या करना है, बाहर निकालना है, फटाफट इसका आप जवाब दीजिए। ठीक है, कौन सा इसमें सही गलत मतलब है उसको आपको हटाना है। ऐसे सवाल भी दोस्तों पूछा जाता है आपके आपसे। ठीक है, बहुत शानदार, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। आरके झा कौन है, अजय जी
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दें। धन्यवाद मेहर साहब आपका, आपकी मेहर है बस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, हमारे पास जवाब भी आना शुरू हो चुका है। हैवी वाटर, हैवी वाटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसकी खोज एचसी यूरे ने करी थी। ये इसका यूज मॉडरेटर में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और मॉडरेटर का मतलब पता है ना, न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करना, स्लो कर देना, ठीक है। DDT, इसके बारे में भी पता है, DDT का इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं, सही है। और इंसेक्ट के स्टडी को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, आपको ये भी याद रखना है। मिथाइल अल्कोहल की जब बात करते हैं दोस्तों, तो मिथाइल अल्कोहल का बेवरेज के रूप में नहीं, बल्कि किसका यूज करते हैं हम लोग, बेवरेज के रूप में इथाइल अल्कोहल का, यानी C2H5OH का यूज करते हैं। किसके रूप में? शराब के रूप में, ठीक है ना। मिथाइल अल्कोहल जो है ना, CH3OH, इसे मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, जिसे वुड स्पिरिट या वुड स्पिरिट कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। और लिक्विड अमोनिया, अमोनिया के बारे में पता है आपको कि इसका यूज फ्रिज के अंदर किसमें, कूलेंट के रूप में करते हैं, मेंटेन रखने के लिए। लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं फ्रिज में, टेंपरेचर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। जबकि फ्रिज में ठंडा रखने के, कूलेंट के लिए, कूलेंट के रूप में, प्रशीतक के रूप में फ्रायोन का यूज करते हैं। और वहां से गैस कौन सी निकलती है फ्रिज और एसी से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर के क्षय के लिए भी क्या है दोस्तों, जिम्मेदार है। आप जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले सवाल के ऊपर। कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन पहले साइक्लोट्रॉन का निर्माण करने के लिए जाना जाता है? साइक्लोट्रॉन, जिससे क्या निकलता है, प्रोटॉन, है ना। तो ये साइक्लोट्रॉन जो है उसका निर्माण करने वाला कौन था सबसे पहले? अर्नेस्ट लॉरेंस, लीन बोर, रदरफोर्ड या मैक्स बॉर्न? फटाफट जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। गुड आफ्टरनून मांडा साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। साइक्लोट्रॉन जो कि किस, जिसमें क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन होता है, इसकी खोज किसने करी थी? सारे सवाल ऐसे ही बेहतरीन सवाल हैं आज के। टोटल हमारे पास अभी 60 सवाल हैं, जिसमें कि आप लोगों को 50 लाना है, तभी आप समझेंगे कि आपकी साइंस ठीक ठाक हो गई है। जब हम यहाँ पर रदरफोर्ड की बात करते हैं, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। नील बोर ने दोस्तों, जो सबसे अभी रिसेंट का जो एटॉमिक मॉडल है, वो नील बोर ने दिया था 1913 के अंदर। यहाँ पर अर्नेस्ट लॉरेंस की जब बात करते हैं, अर्नेस्ट लॉरेंस ने ही किसकी खोज करी थी दोस्तों? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की खोज किसने करी है? अर्नेस्ट लॉरेंस ने करी है। यानी कि इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही जवाब होगा। जबकि ई हैकल ने सबसे पहले किसका यूज किया था? इकोलॉजी वर्ड का यूज सबसे पहले ई हैकल ने किया था। और पेड़ पौधों के अंदर जो पेड़ की जो मतलब प्लांट सेल जो होती है ना, पादप कोशिकाएं जो होती है, उसके अंदर जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड की खोज करने वाले भी कौन थे? ई हैकल ही थे, ठीक है। तो चलते हैं कंप्यूटर जी अगले सवाल के ऊपर, अगला सवाल लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। हार्ड वाटर कंटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग? हार्ड वाटर जो होता है उसमें क्या होता है आपको ये बताना है, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम या जिंक? फटाफट जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ठीक है। गुड आफ्टरनून दीपिका पारमानिक जी, हेमंत मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। चलिए कुमार मंजीत जी, राजेश कुमार जी, जग्गा टाइगर जी, बहुत बढ़िया, मोहित मलिक जी, रामप्रसाद चौबे जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर आपको पता है, आपने सुना होगा इसके बारे में। हार्डनेस जो होता है वाटर के अंदर किसके कारण होता है? तो आप लोगों को पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण क्या होता है दोस्तों, वहां पर क्या होता है, हार्डनेस होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यहां पर मैग्नीशियम नहीं है, यहां पर क्या है, कैल्शियम है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, कैल्शियम। क्लोरीन की जब बात करते हैं, क्लोरीन से याद रखेंगे दोस्तों, क्लोरीन का यूज कहां पर किया जाता है, फूलों के रंग को उड़ाने में, और इसका यूज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। इसी से दोस्तों जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आप क्लोरीन मिला देते हैं, तो कौन सी गैस बन जाती है दोस्तों, फास्जीन गैस बनती है। और इसी का यूज दोस्तों किसमें होता है, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। तो जिंक की बात करते हैं, तो जिंक के भी कई सारे यूजेस हैं, आगे चलेंगे अभी हम लोग देखेंगे। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो इसका सबसे अच्छा जो अयस्क है उसका नाम क्या है दोस्तों, बॉक्साइट है। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्लोरीन का परमाणु भार 35 है, इसमें डैश होते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तब जाकर जवाब देंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया। जयराम कुमार जी बिल्कुल सही जवाब है, लवकुश कुमार जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विक्की एजुकेशनल गुरु जी
बहुत बढ़िया मोनू मांडा जी, अनामिका अग्रहरी जी, बिल्कुल जल के शुद्धिकरण में बिल्कुल सही बता रही हैं। ठीक है, इसका जल्दी से इसका जवाब दीजिए। एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35, इट्स कंजिस्ट ऑफ 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, 17 न्यूट्रॉन 18 प्रोटॉन, 17 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन या नॉन ऑफ द अबव। सिंपल सा है भैया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17 है। एटॉमिक वेट दिया गया है क्लोरीन 35 है एटॉमिक वेट, हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। क्या करेंगे, 35 में से 17 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 18। 18 क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और यहाँ पर जो है 17 है, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन, यानी कि ए जो है दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर होगा। और याद रखेंगे प्रोटॉन की जब बात करते हैं, प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे, गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, जेम्स चैडविक थे। इस चीज को भी आपने याद रखना है। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल कंप्यूटर जी लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत बढ़िया अमनीश राज जी, बताइए जवाब दीजिए। बिल्कुल, इंसुलिन में लोकनाथ साहू जी, इंसुलिन हार्मोन में जिंक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरालुमिन विच इज यूज इन मेकिंग एरोप्लेन इज एन अलॉय कंजिस्टिक ऑफ। ड्यूरालुमिन जिसका यूज एरोप्लेन को बनाने में होता है, एरोप्लेन को सबसे पहले बनाया किसने था, जो मतलब एरोप्लेन का निर्माण करने वाले कौन थे दोस्तों, राइट ब्रदर्स, आपने नाम भी सुना होगा। तो ये जो बनाते हैं तो उसमें ड्यूरालुमिन यूज होता है, तो उसमें कौन सी मिश्र धातु प्रयोग की जाती है, इसको आपको बताना है। ठीक है, और सभी बच्चों को शेयर भी करते रहना है, साथ साथ जितने भी बच्चे देख रहे हैं शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और एसएससी अड्डा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहे साथ साथ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन, अमीश आशीष राज जी बताइए, आप जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, यहां पर काफी बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। निधि मिश्रा जी ने एक सही जवाब दिया है, कैलाश सक्सेना जी ने, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे ही सही जवाब दे पा रहा है, बाकी सभी बच्चे गलत जवाब। जब हम लोगों ने दोस्तों एल्यूमिनियम पढ़ा था, याद कीजिए, वहां पर इसके बारे में बताया था, ड्यूरालुमिन और मैग्नेलियम दो हमने अलॉय के बारे में बताया था, और यहां पर इसका दोस्तों सही जवाब जो होगा दैट इज ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम, इस चारों से ही मिलकर बनता है क्या हमारा ड्यूरालुमिन, और इसका हमने दोस्तों आपको परसेंटेज भी बताया था। आप लोगों को इन सभी तथ्यों को याद रखना, ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं इसके बाद अगले सवाल के ऊपर। कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर। कैलामिन लोशन विच इज यूज एज एन एंटी प्योरेटिक या एंटी इचिंग एजेंट टू ट्रीट मिल्ड प्रूटरिक कंडीशंस कंटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग। कैलामाइन लोशन जो कि एक एंटी खुजली एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, को हल्के प्रूटरिक स्थितियों के इलाज के निर्मित में से कौन सा शामिल है। फटाफट जवाब दें, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, 21 का सही आंसर। प्रशांत यादव जी बताइए, जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल राम प्रसाद चौबे जी, अगला सवाल आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दें। अनु जी जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22, कैलामिन, नाम से ही आपको कैलामिन दिखा, आपको सीधा कहां जाना है, सीधा जाना है कहां पर, जिंक पर, क्योंकि कैलामिन जो है दोस्तों ये किसका अयस्क है, कैलामिजन और ऑफ जिंक, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यहां पर बस आपको बहकाने के लिए इतना लंबा क्वेश्चन बना दिया गया है, बस आपको यहां पर कीवर्ड पकड़ना है क्वेश्चन का क्या है, कैलामिन, और सीधा आपको आंसर पर पहुंचना है। ठीक है ना, तो जिंक इसका सही उत्तर है दोस्तों, जिंक इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला सवाल लाया जाए, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज कॉमनली कॉल्ड एज। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को कॉमनली क्या कहा जाता है, एस्बेस्टस, बोरेक्स, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। फटाफट जवाब दें, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत बढ़िया, शुभम गौतम जी, बबीता कुमारी जी, अक्की तिवारी जी, बी एस पांडे जी, बिल्कुल सही जवाब है। कृष्ण मिश्रा जी, नितेश यादव जी, वीरेंद्र मीना जी, दीपिका परमनिक जी, कारतूस अभी, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज कॉमनली कॉल्ड है, जिसे क्या कहा जाता है, एस्बेस्टस कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट को, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या, NaHCO3, जिसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है, यह आप जानते हैं। ठीक है ना, और दूसरा है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा Na2CO3, इसे कहते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। बोरेक्स की जब बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला Na2B4O7, ये है सुहागा। ठीक है, इसके बाद की अगर बात करें, ये सोडियम का अयस्क है बोरेक्स, तो बाकी हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया दोस्तों,
एस्बेस्टस। एस्बेस्टस को ही क्या कहा जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट जो होता है, ये नाम किसका है दोस्तों, एस्बेस्टस का है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर। तो कंप्यूटर जी चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन डीडीटी का पूर्ण रूप है, इसमें से कौन डीडीटी का पूर्ण रूप है, इसका जवाब देना है। बहुत बढ़िया, जयराम जी, दीपिका परमनिक जी, राजपूत आयुष जी, अभिषेक चौहान जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं सभी बच्चे, बिल्कुल शानदार जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के ऊपर। डीडीटी जिसका यूज इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को तभी जवाब देंगे, और शेयर और लाइक आप लोग करते रहेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, या डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, या फिर डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोमीथेन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलते हैं कंप्यूटर जी अगले सवाल के ऊपर, अगला सवाल लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हाइट फास्फोरस का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित प्रतीकों में किसके द्वारा किया जाता है, व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस, जिसको हम लोग कहां पर डुबा कर रखते हैं दोस्तों, जहां पर जिसको हम लोग जल में डुबा कर रखते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, अत्यंत ज्वलनशील होता है, हवा के संपर्क में आने पर वो क्या होता है, जल उठता है, ठीक है ना। जबकि रेड फास्फोरस का यूज हम लोग कहां पर, माचिस की तीलियों में करते हैं, यह आप जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपसे सवाल है व्हाइट फास्फोरस को कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। और व्हाइट फास्फोरस का ही दोस्तों वहीं पर याद रखेंगे, फास्फोरस का ही एक गैस है PH3, जिसे क्या कहते हैं, फास्फीन कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 इसका आप लोग जवाब दीजिए, इसका और बिल्कुल करेक्ट उत्तर हमारे पास आना शुरू हो चुका है। इसे दोस्तों डिनोट किया जाता है P4 से, बिल्कुल क्रैक एग्जाम जी, GK शर्मा जी, रूमा जी, बिल्कुल आर्टम मेहर जी, रॉकी जी, हरिओम प्रजापति जी, विकास कुमार झा जी, बिल्कुल सही जवाब, राज बाग जी, बहुत बढ़िया, राज बर्णवाल जी, बहुत बढ़िया, पंकज जी। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है, यह आसान सा सवाल है, यह आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26 कि कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, स्लेक्ड लाइम, प्लास्टर ऑफ पेरिस या डिटर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल P4 उसका करेक्ट आंसर था, 26 आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दें, बहुत शानदार, 26 का जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए, कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट, यहां पर CaSO4 इंटू क्या है दोस्तों, हाफ H2O, तो ये किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, है ना। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम इसको कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना। स्लैग्ड लाइम बुझा हुआ चूना, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम या बुझा हुआ चूना कहते हैं। और आपको दोस्तों डिटर्जेंट यानी साबुन सी, इसका जो होता है क्या होता है दोस्तों, C17S35COONA, ये किसका फॉर्मूला होता है, डिटर्जेंट या साबुन का फॉर्मूला होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, POP। अगले सवाल पर कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। कौन सा अम्ल HOOCCOH के रूप में वर्णित है, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या सिट्रिक एसिड, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। जिप्सम का दोस्तों फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, है ना, कैल्शियम सल्फेट उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिप्सम का। क्वेश्चन नंबर 27, विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज HOOCCOH, फटाफट जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, HOOCCOH जो होता है ये किसे कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड को कहते हैं। ऑक्सैलिक एसिड कहां पर मिलता है, टमाटर में मिलता है, पालक में मिलता है,
टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपेन के कारण। पालक सबसे अच्छा सोर्स किसका है? पालक सबसे अच्छा सोर्स है दोस्तों किसका? आयरन का। आयरन का सबसे अच्छा सोर्स है। और याद रखना, ऑक्जालिक एसिड का यूज कहां पर? फोटोग्राफी में करते हैं। कपड़े पर इंक का दाग हो, जंग का दाग हो, इसका दाग छुड़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? हम लोग ऑक्जालिक एसिड का यूज करते हैं। एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो ये विनेगर, सिरके में। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? H2CO3, यानी जब H2O और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिलता है तो क्या बनाता है? H2CO3 बनता है, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड जो कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में जलन इसी के कारण होती है। सिट्रिक एसिड की बात करते हैं तो सिट्रस फ्रूट्स में यानी कि नींबू, नारंगी, इन सभी में साइट्रिक एसिड होता है। और दोस्तों इसका यूज कहां पर होता है? तो याद रखना है, इसका यूज होता है धातुओं को, मेटल्स को साफ करने में, चमकाने में इसी का यूज करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर जी अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। पारा के किस यौगिक का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड या मर्क्यूरिक आयोडाइड? फटाफट जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बहुत बढ़िया। और बच्चों आप लोग शेयर और लाइक करते रहिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं शेयर करते रहें सभी बच्चे, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंपाउंड ऑफ मरकरी इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक? मरकरी की जब बात करते हैं, इसे क्विक सिल्वर, इसे लिक्विड मेटल कहते हैं, इसी का अयस्क है दोस्तों सिनेबार। और ये धातुओं के साथ क्या बनाता है? अमलगम। किसके साथ नहीं बनाता? आयरन के साथ। ये तो पता है आपको, ये सारी बातें मैं 500 बार क्लास में बोलता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। अब इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, एंटीसेप्टिक के रूप में जो करते हैं हम लोग यूज किसका, वो करते हैं HgCl2, यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड जो होता है इसका यूज किसके रूप में किया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कंप्यूटर जी चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आप लोग जवाब दीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज व्हाइट विट्रियोल? इसमें से किसे सफेद थोथा कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे सफेद थोथा कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग जवाब दें दोस्तों, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल रुचि कुमारी जी, सिंदूर में पाया जाता है वही एक चुटकी सिंदूर वाला जो सिंदूर होता है ना। अब यहां पर 29 के भी काफी बच्चे 29 का भी गलत उत्तर दे रहे हैं, तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मेहर साहब आप गलत दे रहे हैं, सरोजनी साहू जी, कई बच्चे हैं जो कि ए और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं। भैया ZnSO4 जो होता है ना, जिंक सल्फेट को ही क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है व्हाइट विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को कहते हैं, ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट को कहते हैं। कितनी बार आपको बताया है, FeSO4 का मतलब क्या? ग्रीन विट्रियोल। CuSO4 का मतलब क्या? ब्लू विट्रियोल, है ना। और व्हाइट विट्रियोल मतलब क्या? ZnSO4 का मतलब क्या? व्हाइट विट्रियोल। इसको याद रख लीजिए, आप दिमाग में फिट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है ना। जिंक क्लोराइड जो होता है इसका यूज कहां पर? यसद लेपन यानी गल्वनाइजेशन में, लोहे को आयरन से जंग से बचाने के लिए करते हैं। जिंक फॉस्फाइड जो होता है दोस्तों वो रैट किलर में यूज करते हैं, चूहे मारने की दवाई में। और जिंक ऑक्साइड जो होता है दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोसफर वुल कहते हैं। फिलोसफर वुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है यसद पुष्प। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? यसद पुष्प कहा जाता है, ठीक है ना, जिसका यूज कई सिंथेटिक टीथ वगैरह और भी कई चीजों में किया जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं इसके बाद हम लोग अगले सवाल के ऊपर। कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग एसी टिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो होता है इसका नॉर्मल नेम क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जवाब दीजिए, ठीक है। बिल्कुल मनीष गुप्ता जी, फेरस सल्फेट को ग्रीन कहते हैं, कॉपर सल्फेट को ब्लू कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। सुशील पत्री जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आप लोग जवाब दीजिए। जूली तिवारी जी लेट हैं, कोई बात नहीं है, इसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के ऊपर।
और बिल्कुल सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों। इसका करेक्ट उत्तर है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होता है उसी का नाम क्या है दोस्तों, उसी का नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, या एस्पिरिन को ही कहते हैं, जो कि एक प्रकार का कैसा दवा है, एनाल्जेसिक दवाई होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में, पैसे पैरासीटामोल नहीं बल्कि क्या है दोस्तों, एस्पिरिन इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज, ऑप्शन है यीस्ट, एसिटोबुलेरिया, एसिटोबैक्टर, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जवाब दीजिए इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दें कि सबसे बड़ा एकल कोशिका वाला जीव कौन सा है। जब कोशिका की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने करी है, रॉबर्ट हुक ने करी है। हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं दोस्तों, 10^14 सेल हैं। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग, सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ, या जिसे हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जो कि एक प्रकार का जीवाणु है। सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल होती है। हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, और हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु होती है। ये चीज आप जानते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ा एकल कोशिका वाला जीव कौन सा है, तो याद रखेंगे दोस्तों ना, अमीबा यहां पर सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी एसिटेबुलेरिया इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इसका करेक्ट उत्तर क्या है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन बी, यानी एसिटेबुलेरिया। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर। और सेल, सेल की जब बात करते हैं तो याद रखना है सेल की जो स्टडी होती है, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, साइटोलॉजी कहते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने दिया था। और याद रखना कौन सा जीव सेल थ्योरी का पालन नहीं करता, कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता दोस्तों, तो याद रखना है वायरस नहीं करता है। सेल का जो पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जबकि सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं दोस्तों, लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि प्लांट सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलता। और सेल वॉल दोस्तों किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ये भी आप जानते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पर कंप्यूटर जी। अब अगले सवाल पर लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ए फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज। अभी अभी मैंने इस सवाल को बताया भी था, इसे मैं एक्सप्लेन करने के दौरान इसके बारे में मैंने बताया भी है आपको, तो इसका आप लोग जवाब दें। ठीक है, एसिटेबुलेरिया ही कहेंगे जयंत विश्वकर्मा जी, हिंदी में भी एसिटेबुलेरिया नाम है उसका, एसिटेबुलेरिया। ठीक है ना, बिल्कुल कृष्ण मिश्रा जी आपका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 32, ए फर्टिलाइज्ड एग इज नॉन एज, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है क्या, निषेचन। और हमारे शरीर के अंदर जो निषेचन होता है वो कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका में। अगर फैलोपियन ट्यूब के बाहर निषेचन होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं, जिसमें कि टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम उसको मिला दिया जाता है। और किसका निर्माण कराया जाता है, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है दोस्तों आप लोग, जायगोट का निर्माण कराते हैं। और जब जायगोट का निर्माण हो जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उस जायगोट को क्या किया जाता है, यूटरस में यानी कि गर्भाशय में इंजेक्ट कर देते हैं। क्लियर है पॉइंट, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या है, जायगोट। जायगोट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं युग्मनज। और ये जायगोट 0 से 14 डेज तक ये जायगोट के फॉर्म में रहता है, फिर 14 डेज से 3 मंथ तक ये इम्ब्रायो यानी अविकसित भ्रूण के फॉर्म में रहता है, और फिर जो इम्ब्रायो के बाद वो किसमें, फीटस यानी विकसित भ्रूण में कन्वर्ट होता है 4 से 9 मंथ तक। क्लियर है पॉइंट, और इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में देखना है तो अभी एक अच्छी मूवी आई हुई है इसी उस पर बेस्ड, गुड न्यूज, आप जाकर देख सकते हैं वहां पर, इसी उस पर जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसी के कॉन्सेप्ट पर वो मूवी लाई गई है। क्वेश्चन नंबर 33 अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, लक्ष्य क्लासेस जी, हिंदी में मैंने बता दिया है, हिंदी में उसे क्या कहते हैं हम लोग, युग्मनज कहते हैं। ठीक है, ड्वार्फ प्लांट कैन बी मेड टॉलर बाय अप्लाइंग, बौने पौधों को डैश लगाने से ऊंचा बनाया जा सकता है, जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या डॉर्मिन। यानी कि किसे ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं, एक तरह से ये सवाल है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया हेमंत मिश्रा जी, बिल्कुल अनामिका सिंह जी सही बता रहे हैं, इनसेमिनस गन ही कहा जाता है जिससे इंजेक्ट करते हैं ये। ठीक है,
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। और यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी जिबरेलिन। जिबरेलिन जो होता है ये क्या होता है, ये लगाने से जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं वो क्या होता है दोस्तों, वो बड़े हो जाते हैं। इसका करेक्ट उत्तर क्या है, ऑप्शन ए। जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, प्लांट हार्मोन्स हैं, याद रखेंगे। और यहाँ पर जो साइटोकाइनेंस हैं, ये साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये किसके प्रेजेंस में वर्क कर सकता है दोस्तों, ये ऑक्सिन के प्रेजेंस में क्या करता है, काम करता है, इस तथ्य को भी याद रखेंगे। एकमात्र पादप हार्मोन जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है उसका नाम होता है दोस्तों एथिलीन, जो कि दोस्तों किसके लिए आवश्यक होता है, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जो फलों के प्राकृतिक रूप से पकने के लिए आवश्यक होता है क्या, एथिलीन, जो कि एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है। और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, तो याद रखेंगे उसके लिए आवश्यकता होती है किसकी, एसिटिलिन नामक गैस की। और जो होता है एसिटिलिन कहाँ से बनता है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जब वाटर का छिड़काव करते हैं तब जाकर हमारा क्या बनता है, एसिटिलिन बनता है। तो अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय, कालाजार किससे ट्रांसमिट होता है, ब्लैक फ्लाइज, सैंड फ्लाइज, सीसी फ्लाइज या माइट्स। कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लैक फ्लाइज, सैंड फ्लाइज, सीसी फ्लाई या माइट्स, जल्दी से जवाब दीजिए। 34, कालाजार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कालाजार का कैसे ट्रांसमिशन होता है, और शेयर भी करते रहे आप लोग दोस्तों, सभी बच्चे क्या करें, शेयर करते रहिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और नए जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं ना वो एसएससी अड्डा को सब्सक्राइब भी करते रहे। जब कालाजार की बात करते हैं तो कालाजार एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होता है, जिस प्रोटोजोआ का नाम है दोस्तों लीसमानिया डोडावरी। क्या नाम है जिसका, लीसमानिया डोडावरी, ये उस प्रोटोजोआ का नाम है जिसके कारण कालाजार होता है, ठीक है ना। और याद रखना है ये जो पाया जाता है इसका जो कैरियर है, वाहक है, वो कौन सा है, वो है सैंड फ्लाई, यानी बालू मक्खी जो होता है ना वही क्या करता है, इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करता है। और जब हम लोग फ्लाई यानी मक्खी की बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों, मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका, ये मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है। जब हम लोग बात करते हैं सीसी फ्लाई की, जो सीसी फ्लाई है यहां पर, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, सैंड फ्लाई। लेकिन जब हम लोग सीसी फ्लाई की बात करते हैं ना दोस्तों, याद रखना ये जो सीसी फ्लाई है ये किसका वाहक होता है, ये एक बीमारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस यानी एक निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, इस बीमारी का वाहक होता है सीसी फ्लाई, जो कि एक प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है दोस्तों ट्राइपोनसोमा। ट्राइपोनसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण ये स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है जिसमें नींद नहीं आती है, ठीक है ना, क्लियर। नींद जिसमें आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है, जिसमें नींद नहीं आती है ना उस बीमारी को इंसोम्निया बोलते हैं, जिसमें नींद नहीं आता है ना उसे क्या कहते हैं, इंसोम्निया, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, द सेंस ऑफ बैलेंस इज अचीव्ड बाय, संतुलन की भावना ढैस से हासिल की जाती है, सेरेबेलम इक्विलिब्रियम, थैलेमस इक्विलिब्रियम, सेरेब्रम इक्विलिब्रियम या स्पाइनल इक्विलिब्रियम, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ठीक है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं जिनका भी 50 करेक्ट होगा, गिनते रहिए आप लोग, 50 करेक्ट होने के बाद लास्ट में आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मेरा 50 करेक्ट हुआ है, और जिनका भी 50 करेक्ट हुआ है वही आप समझेंगे कि आपकी साइंस ठीक ठाक है, और जिनका 50 सही नहीं हुआ वो फिर से जाकर 25 बार जितनी बार रिविजन करना पड़े उतनी बार रिविजन करेंगे नोट्स को, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो संतुलन की जब भावना की बात करते हैं दोस्तों, तो संतुलन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम किसका होता है दोस्तों, सेरेबेलम का, यानी जब आप कहीं टकरा जाते हैं, टकरा में आप अपने आप को बचा लेते हैं गिरने से, तो ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है ना ये काम होता है किसका, सेरेबेलम का, यानी कि जो हमारा ए ऑप्शन है यहाँ पर वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जब थैलेमस की बात करते हैं, थैलेमस का काम होता है दोस्तों क्या करना,
ठंडे एवं गर्म का एहसास कराना, यानी कि किसी चीज़ को छूने पर ठंडा लगना, किसी चीज़ को छूने पर गर्म लगना, उसका एहसास कौन कराता है? थैलेमस। सेरेबेलम, सेरेब्रम की जब बात करते हैं, सेरेब्रम जो होता है दोस्तों वो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस होता है, यानी हमारे बुद्धि का केंद्र होता है, हमारे एप्टीट्यूड, हमारी रीजनिंग, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी थिंकिंग, हमारा जो कॉमन स्किल है, इन सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज सेरेब्रम। और स्पाइनल की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन को, प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है, जिसका खोज करने वाला कौन था? मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने इस रिफ्लेक्स एक्शन का पता लगाया था। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है किसी चीज को देखने पर, सांप को देखने पर अचानक से पीछे हट जाना, मक्खी चले जाने पर छींक आ जाना, गर्म चीज को छूने पर हाथ हटा लेना, यानी जिसमें हमारा बॉडी इंस्टेंट रिएक्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। और उसको कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? स्पाइनल कॉर्ड नियंत्रित करता है या मेरु रज्जू करता है। और यहीं से आप याद रखेंगे कि स्पाइनल नर्व्स जो हमारे शरीर के अंदर स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो कितने होते हैं? 31 पेयर, 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जबकि 12 जोड़ी क्या होती हैं दोस्तों? 12 पेयर क्या होती हैं? रिब्स होती हैं। और 12 पेयर रिब्स के साथ साथ याद रखेंगे 12 पेयर क्या होती हैं? हमारी जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो भी कितनी होती हैं? वो भी हमारी 12 पेयर ही होती हैं। इस तथ्य को भी आपने याद रखना है, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, जयंत विश्वकर्मा जी, वो आपको वीडियो देखकर, जो हमारे एसएससी अड्डा चैनल की प्लेलिस्ट पर जो साइंस की वीडियोस अवेलेबल हैं उसे आपको देखना पड़ेगा, और उसको आपको देखकर फिर आपको नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? या फिर आप किसी बच्चे से जिसके पास पूरा पर पूरा नोट्स हो आप उससे ले भी सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। विच वेन ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट, यानी कि कौन सी सिरा फेफड़ों से स्वच्छ रक्त हृदय में लाता है? जल्दी से जवाब दीजिए इसका। बहुत बढ़िया भरत हरि बिंद जी, बहुत शानदार, एक एक डिजीज आपने याद की हुई है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 इसका आप लोग जवाब दें जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से जवाब दीजिए। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों रीनल वीन, तो ये क्या करता है? ये इंप्योर ब्लड को लाता है कहां से? किडनी से। किडनी में इंप्योर ब्लड को ले जाता है रीनल वीन। पल्मोनरी वीन की बात करते हैं तो यहां पर जो सही जवाब है दोस्तों इसका कौन सा? पल्मोनरी वीन। ये हमारा हर्ट है और हर्ट में ये लंग्स है, यहां से जो हमारा प्योर ब्लड आता है किसके द्वारा? पल्मोनरी वीन्स के द्वारा आता है। पल्मोनरी वीन के द्वारा, फुफ्फुस सिरा के द्वारा ही यहां से प्योर रक्त पहुंचाया जाता है, जबकि यहां से इंप्योर रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है दोस्तों? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में पहुंचाते हैं। यहां से जो इंप्योर ब्लड है वो कैसे पहुंचता है दोस्तों? इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में पहुंचता है। क्लियर है पॉइंट? ये हम लोगों ने हर्ट वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, एक एक चीज आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया गया है। वेना केवा की जब बात करते हैं दोस्तों ये दोनों ही क्या है? एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन्स, ये दोनों एक्सेप्शन है। नॉर्मली जो वीन्स कैरी करता है दोस्तों वो इंप्योर ब्लड को कैरी करता है, जबकि जो आर्टरी यानी जो सिरा होती है ना वो कैसे? प्योर ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, आप जानते हैं इस चीज को। लेकिन ये दोनों ही एकमात्र ऐसे आर्टरी और ऐसे वीन है जो कि ये प्योर ब्लड को कैरी करता है और ये इंप्योर ब्लड को कैरी करता है, ये एक्सेप्शन है ये दोनों सिर्फ। जब हम लोग वेना केवा की बात करते हैं ये सबसे बड़ी सिरा होती है जो कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा कर कहां? हर्ट के राइट ऑरिकल में लाकर क्या करती है? डालती, यानी हर्ट के दाएं आलिंद में पहुंचाती है। जबकि हेपेटिक वीन की बात करते हैं तो ये इंप्योर ब्लड को कहां? लीवर तक पहुंचाता है। ये चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक है? यहां तक जबकि सबसे बड़ी जो सीरा होती है, सबसे बड़ी जो आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी होती है उसका नाम क्या है दोस्तों? ऑर्टा। ऑर्टा यानी महाधमनी, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन, नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन द एनिमल फूड, यानी कि वैसा विटामिन जो किसी पशु आहार में नहीं पाया जाता वो कौन सा है? B12, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? जल्दी से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन के ऊपर। अंकित यादव जी, ये साइंस पढ़ाया जा रहा है, अच्छा, दयानंद चौहान जी को हर्ट का फिगर पसंद आया, बहुत बढ़िया दयानंद चौहान जी, मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 इसका आप जवाब दीजिए कि कौन सा विटामिन जो है वो पशु के भोजन में, एनिमल फूड में नहीं पाया जाता है।
ये साइंस की क्लासेस चल रही हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अभी जो हमारी ये एनटीपीसी की मैराथन क्लास चल रही है विज्ञान विज्ञान की, जिसमें कि 2 घंटे ये लगातार चलेंगी। ये 2 बजे स्टार्ट हुआ और 4 बजे तक ये फिनिश होगा, ठीक है। यहाँ पर काफी बच्चे सी बता रहे हैं, तो याद रखना है दोस्तों, विटामिन डी मिल्क में तो पाया ही जाता है, और मिल्क क्या है, एक प्रकार का आपका एनिमल फूड ही है। विटामिन के भी पाया जाता है मटन में, मटन भी एक एनिमल फूड है। विटामिन B12 भी पाया जाता है दोस्तों मिल्क के अंदर, तो ये भी क्या है, एक एनिमल फूड है। तो कौन सा नहीं पाया जाता भैया, कितनी बार बताया है विटामिन सी किसमें नहीं मिलता है, मिल्क में जो होता है, मिल्क में विटामिन सी नहीं मिलता, और विटामिन सी जो, और मिल्क में क्या नहीं मिलता, विटामिन सी नहीं मिलता, और मिल्क में क्या नहीं मिलता, आयरन भी नहीं मिलता। तो आपको सीधा सा मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं, विटामिन सी, तो सही जवाब क्या होगा, विटामिन सी, है ना। और याद रखेंगे विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, सबसे ज्यादा आंवले में मिलता है, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसकी कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन सी की जब बात करते हैं तो याद रखना घाव को भरने में विटामिन सी मदद करता है। याद रखना दोस्तों विटामिन सी जो है सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट होता है, और याद रखना अनाज को पकाने से भी कौन सा नष्ट होता है, विटामिन, विटामिन सी ही नष्ट होता है। यूरिन के द्वारा विटामिन सी हमारे बॉडी से निकलता है, इस चीज को भी याद रखेंगे। जब हम विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल, और याद रखना है विटामिन डी को सनशाइन विटामिन, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में मिलता है। विटामिन डी की बात करते हैं दोस्तों, एकमात्र विटामिन है जिसका यूज हार्मोन की तरह कर सकते हैं, और याद रखना इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी भी होती है। विटामिन के पता है आपको, क्लॉटिंग विटामिन, इसका नाम क्या है, क्या नाम है दोस्तों इसका, इसका नाम है, याद रखना है, फाइलोक्विनोन, और इसकी कमी से हिमोफीलिया नामक बीमारी होती है। जब हम लोग विटामिन B12 की बात करते हैं तो इसका नाम है साइनोकोबैलामिन। कई बार पूछा जाता है कोबाल्ट नामक तत्व किस विटामिन में मिलता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, और इसकी कमी से अनिमिया यानी अरक्तता नामक बीमारी होती है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, अट्रैक्टिव कलर ऑफ फ्लावर एंड सीड इज ड्यू टू, यानी कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर का जो अलग अलग रंग होता है, देखते हैं फ्लावर को देखकर कभी, मतलब देखकर लगता है अरे कितना अच्छा फूल है, कितना कलरफुल है ना, तो ये किसके कारण, ड्यू टू ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, फटाफट जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बहुत बढ़िया सुशील पात्री जी, बहुत शानदार, क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 38, फूल, फूल की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, एंथोलॉजी कहते हैं ना, है ना, फूल की स्टडी को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी, ठीक है। क्योंकि फूल जो होता है, फूल का निर्माण का एंथर, एंथर से होता है, आप लोगों ने पढ़ा है एंथर होता है, और क्या होता है, जो मतलब जैसे हम लोग स्त्री केसर और क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, जो जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर फूल और बीज, बीज की स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्मोलॉजी, बीज की स्टडी को क्या कहते हैं, स्पर्मोलॉजी कहते हैं, पता है ना आपको। यहाँ पर बात करते हैं जो अलग अलग कलर होते हैं, ये किसके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं, किसके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण। हम लोगों ने कई प्रकार के क्रोमोप्लास्ट की बात भी करी है, जैसे लाइकोपेन टमाटर में, कुरकुमिन हल्दी में, है ना, इसी तरह जो कैप्सेथिन जो होता है, मिर्च का लाल रंग होता है, ठीक है ना, मैंगो का जो येलो कलर होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, जो गाजर का नारंगी कलर होता है कैरोटीन के कारण होता है, जो आम का लाल रंग होता, आम सॉरी, जो सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, ये सभी, फूलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण, ये सभी क्या है, ये सभी ही क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है, फूड बनाता है, और इसी का एग्जांपल है क्लोरोफिल, जिसमें मैग्नीशियम नामक तत्व तो भी मिलता है। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट की, ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है फूड को क्या करना, स्टोर करना, और ल्यूकोप्लास्ट के ही 3 टाइप हैं, एमिलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट जो फैट को स्टोर करता है, और प्रोटीनोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के उस पार्ट में मिलते हैं जहां पर सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुंचता, क्रोमोप्लास्ट प्लांट के कलरफुल पार्ट्स में मिलते हैं, और याद रखना है दोस्तों जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहां पर, लीफ यानी पत्तियों में पाए जाते हैं, और ये तीनों ही किसके उदाहरण हैं, पेड़ पौधों के अंदर जो प्लास्टिड यानी जो लवक पाया जाता है उसका उदाहरण होता है ये। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया ये, चलते हैं अब हम लोग इसके आगे अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, अमरेश बर्मन जी, सबा सारा डिटेल मैंने बता दिया है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दीजिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल, निम्न में से कौन सा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में शामिल है? अलग अलग आपके पास ऑप्शन है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। ताहिर अली जी, ये क्लास भी आपके ग्रुप डी रेलवे, ये रेलवे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चिंता ना करें, पढ़ते रहिए बस, ठीक है। वॉइस को इंक्रीज कर दें, कंप्यूटर जी देखिएगा वॉइस कम है क्या, अगर कम होगा तो इंक्रीज कर दीजिए, सही है तो ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आप लोग जवाब दें, सभी बच्चे जल्दी से फटाफट जवाब देते जाइए। रक्त शर्करा को कौन सा कंट्रोल करता है? और हमारे पास जवाब भी आना शुरू हो चुका है, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। मान सिंह जी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है सभी बच्चों का, बी इज द राइट आंसर, यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, लैंगरहंस का द्वीप जो होता है ये किसका काम होती है, किसका नाम है, ये अग्नाशय का ही दूसरा नाम है दोस्तों, और अग्नाशय के बीटा सेल के द्वारा यानी बीटा कोशिका के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंसुलिन, यही क्या करता है, यही ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, और जो ग्लूकोज का लेवल जब कंट्रोल करता है तो इस ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में, जिस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, और ये काम यानी इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम होता कहां पर है, वो हमारे शरीर के लीवर यानी यकृत में होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि ये सही उत्तर है इसका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। जब हम लोग इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन की खोज एफ बेंटिंग ने करी है, इंसुलिन में जस्ता नामक तत्व तो पाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। जब हम लोग बात करते हैं इंसुलिन की कमी, इसकी कमी से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है जिससे डायबिटीज नामक रोग होती है, और वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाते हैं, ये भी याद रखेंगे। जब हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और इसके द्वारा कुल कितने प्रकार के 9 टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। जब हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस के बारे में याद रखेंगे दोस्तों, ये भूख तथा प्यास का नियंत्रण करता है, ये प्यार तथा घृणा का केंद्र होता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, इस तथ्य को याद रखेंगे। और जब हम लोग स्प्लीन की बात करते हैं तो यहां पर आरबीसी का डेथ होता है, इसलिए इसे आरबीसी की कब्रगाह या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और इसे हम लोग ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। अगर हमारे शरीर में ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज की कमी होती है तो उससे कौन सी बीमारी, हाइपोग्लाइसेमिया, अभी अभी हम लोगों ने देखा था। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C6H12O6, और ग्लूकोज जो होता है क्या होता है, इसका काम होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। किस फॉर्म में एनर्जी देता है ग्लूकोज हमें, एटीपी के फॉर्म में, और एटीपी का निर्माण कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। इसलिए ग्लूकोज को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर भी कहा जाता है। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर, कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में अगला सवाल, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय, रिवर्स होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है इसमें थोड़ा सा, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी व्युत अनुलेखन डैश द्वारा खोजा गया था, वाटसन एंड क्रीक, हरदोगोविंद खुराना, लेमिन एंड बाल्टीमोर, या बिटल एंड टेटम। फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, बिटल एंड टेटम के बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, बिटल एंड टेटम ने क्या दिया था, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, वाटसन एंड क्रीक, डबल हेलिक्स मॉडल, एलिमिनेट कीजिए आप पहुंच जाएंगे जवाब पर, ठीक है ना। भरतहरि बिंद जी 14 नवंबर को मनाते हैं बेटा, भरतहरि बिंद जी फरवरी नहीं, 14 फरवरी को तो कुछ और ही मनाते हैं, आपके दिमाग में 14 फरवरी ही घूम रहा है, बताइए क्या कुछ मामला चल रहा है क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 जवाब दीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बिडल एंड टेटम ने तो क्या किया था, अभी देखा था, वन जीन वन एंजाइम, वाटसन एंड क्रिक, डबल हेलिक्स मॉडल, हरगोविंद खुराना ने परखनली में डीएनए का संश्लेषण, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, एलिमिनेट कीजिए उत्तर पर पहुंचिए, ठीक है ना। क्या जवाब होगा, लेमिन एंड बाल्टीमोर, इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज करी थी, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आरएनए से क्या बनना, डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, डीएनए से जब डीएनए बनता है तो क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन, है ना, डीएनए से जब आरएनए बनता है तब क्या कहलाता है दोस्तों, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, है ना। ये सारे तथ्य हम लोगों ने सेल के अंदर जब आरएनए पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने पूरा डिटेल में इन तथ्यों को सीखा था, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। अगले सवाल पर कंप्यूटर जी, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र डैश में स्थित है, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली,
अलाहाबाद, करनाल या बेंगलुरु? फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन के ऊपर। धन्यवाद संतोष जी। चलिए अच्छा, 14 फरवरी को आपके पिताजी का जन्मदिवस है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर किसी के पास नोट्स किसी ने मतलब अगर बनाया हो तो बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना? है ना, किसी के पास अगर साइंस के पूरे नोट्स हो तो आप लोग क्या करें, इसे सोशल मीडियाज या अलग जो मतलब कहीं भी आप उसे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हो, आप किसी ग्रुप में ऐड होते हैं, ताकि हर बच्चों तक क्या करे, नॉलेज को क्या करना है, शेयर करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ठीक है ना? ताकि सभी बच्चों का क्या हो सके, भला हो सके, ठीक है? चलिए, और जो देश से क्या हो सके, जो अनएजुकेशन है, जो इलिटरेसी है, वो क्या हो सके, दूर हो सके थोड़ा सा, ठीक है ना? आपका एक प्रयास कई बच्चों को मतलब वो प्रदान कर सकता है, सरकारी नौकरी प्रदान कर सकता है, ठीक है? तो इसका जवाब दिया, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस इज सिचुएटेड एट, तो कहां पर है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों, याद रखना है, दैट इज इन बेंगलुरु। कहां पर है इसका? ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु इसका करेक्ट उत्तर है, जिसे हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है ना? बेंगलुरु को क्या कहते हैं हम लोग? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, गार्डन सिटी भी कहते हैं इसको, याद रखना। और इसरो, इसरो का मुख्यालय भी कहां पर है? बेंगलुरु में ही है। करनाल की बात करते हैं दोस्तों, करनाल में NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? ये आपका करनाल में स्थित है। तो चलते हैं कंप्यूटर जी अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल लाया जाए, क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, अलग अलग ऑप्शन है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। अच्छा, स्नेहा कुशवाहा जी बोल रहे हैं कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे कोई कंपटीशन नहीं बढ़ता है ऐसा, है ना? जितना आप शेयर करेंगे लोगों को, उतना ही क्या होगा, आपका भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा, ठीक है ना? चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दिया। आतिशबाजी आप लोगों ने करी भी होगी, है ना? मतलब दीपावली या अलग अलग मौकों पर, शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है, तो उसमें क्या करते हैं, आतिशबाजी करते हैं खुशी में, है ना? तो ये फायरवर्क्स में देखते हैं ग्रीन कलर जो होता है वो किसके कारण, सोडियम, पोटेशियम, बैरियम या मकरी। और आप लोगों को बहुत शानदार जवाब, सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों, इसका सही जवाब है दैट इज बैरियम। बैरियम इज द राइट आंसर। बैरियम जो होता है, बैरियम के कारण ही ग्रीन कलर होता है। सोडियम इसके कारण कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है, आपको पता है, ठीक है? और पोटेशियम के कारण कैसा, आई थिंक व्हाइट कलर होता है पोटेशियम के कारण। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि बैरियम इज द राइट आंसर। तो चलते हैं कंप्यूटर जी अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दिए। और बच्चे शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर करते रहिए, सभी बच्चे शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है ना? ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ऐसे सवाल, ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे फैक्ट पहुंच सके, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 43 इसका जवाब दें। व्हाट डज एयर बैग यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर कंटेंस, जो कार चालक की सुरक्षा के लिए एयर बैग जो होता है उसमें क्या होता है, है ना? एयर बैग आप लोगों ने देखा भी होगा, जब कार में रहता है वो, जब एक्सीडेंट वगैरह होने वाला होता है तो वो एयर बैग क्या होता है, निकल जाता है, ताकि जो पैसेंजर बैठे हैं या उसके अंदर जो ड्राइवर है वो क्या, सुरक्षित रह सके, ठीक है? तो उसमें क्या यूज किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आप ही मेहर कर दीजिए, मेहर साहब, है ना? आपका तो नाम भी है आटा मेहर, आप ही मेहर कीजिए सभी बच्चों पर, शेयर कर दीजिए किसी भी लिंक पर। एयरवेज नहीं है बेटा, ये एयर बैग है। चलिए, तो इसका सही जवाब हमारे पास आना सूरज के हेमंत मिश्रा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है? और काफी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी सोडियम एजाइड। नाम ही बस इसका याद रखना है आपको, सोडियम एजाइड जो होता है इसी का यूज किया जाता है, किसमें, एयर बैग्स के अंदर। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पता है, क्या कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा, ठीक है? बाकी यहां पर जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, ठीक है? कार की बैटरी की जब बात करते हैं, कार की बैटरी में कौन सा, H2SO4 यूज होता है। कार के साइड मिरर में और रियर व्यू मिरर में किसका, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग होता है, इस चीज को भी याद रखना है। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। द गैसेस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड, किसी भी प्रकार की वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसों में शामिल होंगे कौन कौन, फटाफट जवाब दें। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 बहुत आसान सा सवाल है, ये कुछ सवाल मैंने आसान रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना?
बहुत बढ़िया। अमराज नहीं होता प्रियांशी जी, दैट इज अमलों का राजा, अमलराज डिफरेंट थिंग, एक्वारेजिया होता है वो, दैट इज रेशियो ऑफ एच सी एल एंड एच एन ओ थ्री इन 3:1, है ना, उसे हम लोग अमलराज कहते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 44, इसका जवाब दें, और इसका हमारे पास जवाब आना शुरू हो चुका है। बहुत शानदार, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इसी का यूज किसमें किया जाता है? गैस वेल्डिंग में। एसिटिलीन का मतलब क्या? C2H2 है कि नहीं? C2H2 इसका फॉर्मूला है ना। यहां पर इसका सही जवाब क्या है? ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर है क्या? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी बिल्कुल। दयानंद चौहान जी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट उत्तर है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दीजिए। द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन वॉज, पहला मनुष्य के द्वारा पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा बनाया गया था? रेयन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, नाइलॉन। देखिए नोट्स आप लोग शेयर कर दे, घबराए नहीं, आप नोट्स शेयर करेंगे तो वो नोट्स जिस बच्चे ने लेक्चर देखा होगा उसे ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो नोट आप शेयर कर दें, जिन बच्चों को भी, जो भी बच्चे नोट्स मांगते हैं आप उसे नोट शेयर कर सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है। नोट शेयर करने के बाद वही बच्चा उसे पूरा अच्छे से समझ पाएगा जिसने कि लेक्चर किया होगा, अदरवाइज 50-50 समझ में आ पाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग शेयर कर दीजिए, शेयर करने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए अगर आपके पास है प्रॉपर सभी का बना हुआ साइंस का। तो द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड वॉज मेड बाय मैन वॉज रेयन, टेरिकोटा, पॉलिस्टर, नाइलॉन। फटाफट जवाब दें। बहुत बढ़िया, तो इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन डी, यानी नायलॉन, नायलॉन इज द राइट आंसर। कंप्यूटर जी चलते हैं इसके बाद अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द मैन हु इज स्पेशलिस्ट इन वाइन मेकिंग इज कॉल्ड एज, शराब बनाने में माहिर व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर देखिए शराब है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। तो शेयर कर दीजिए जिसके पास भी नोट है, अलग अलग बच्चों के साथ शेयर करो भाई, पीडीएफ फाइल में बना लो और बच्चों का भला करो। ठीक है, चलिए, तो यहां पर शराब बनाने में जो स्पेशलिस्ट व्यक्ति होते हैं उसे किस नाम से जाना? यहां पर शराब ही पढ़ना है आप लोगों को, शराब का पैग नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि वो तो आप लोग हर कोई बना ही लेते होंगे। तो शराब बनाने में माहिर व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? वाइनोलॉजिस्ट, ग्रेपोलॉजिस्ट, ओइनोलॉजिस्ट या नन? राजू शर्मा जी पूरे एक्सपर्ट हैं इस मामले में, क्योंकि राजू शर्मा जी ने अभी तक, प्रवीण कुमार जी भी एक्सपर्ट हैं, पूरा रिसर्च कर किया है इन्होंने। और इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन सी, यानी ओइनोलॉजिस्ट, ओइनोलॉजिस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ओइनोलॉजिस्ट जो शराब बनाने में माहिर व्यक्ति होते हैं उसे क्या कहते हैं? ओइनोलॉजिस्ट। यहां पर जो ग्रेपोलॉजिस्ट है, ग्रेप यानी ग्रेप्स है, अंगूर की बात की गई है, और अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं दोस्तों? वीटी कल्चर। और अंगूर और इमली और कच्चा आम, इसमें कौन सा एसिड? टर्टरिक एसिड पाया जाता है, इस तथ्य को भी याद रखेंगे। जब वाइन की बात करते हैं, वाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, या जिसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। द ग्रुप ऑफ मेटल्स Fe, कोबाल्ट, निकल में बी बेस्ट कॉल्ड एज, इन सभी आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको क्या कहा जा सकता है? इसका आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। ग्रुप्स ऑफ मेटल आयरन, कोबाल्ट, निकल में बेस्ट कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स, मैन ग्रुप मेटल्स, अल्कली मेटल्स, रेयर मेटल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। और शेयर, शेयर आप लोग करते ना दोस्तों, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ये तीन चीज आप लोग करते रहिए, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा ये वीडियो। आयरन, कोबाल्ट, निकल में बेस्ट कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे? तो आपके पास से जवाब आना शुरू हो चुका, अल्कली मेटल नहीं, अल्कली मेटल तो पहले ग्रुप के तत्वों को कहते हैं। पहले ग्रुप में कब से आयरन, कोबाल्ट, निकल आ गया, है ना? अल्कली जो अर्थ मेटल होता है दूसरे ग्रुप को कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद जो नोबल गैसेस होती हैं वो किसमें? 18वें वर्ग में होते हैं, हैलोजन 17वें वर्ग में होती हैं। ठीक है, तो ये जो होती है ना, इसे क्या कहते हैं? ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है ना, ये किस ब्लॉक के तत्व हैं? ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं। कैसे पता चलेगा ये? तो एफ का क्या है? 26 है, आप इसका लिख लो,
आईएसओ, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो लास्ट में डी वाला आएगा, तो ये डी ब्लॉक का तत्व हो गया। और डी ब्लॉक का तत्व हो गया तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना, तो ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन ए। सिंपल सा है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, आपका जवाब आपके पास होगा, ठीक है। तो डी ब्लॉक इज द राइट आंसर। तो इसके बाद हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, डी ब्लॉक से ही जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, लेकिन जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, उसे हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। केशर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, स्टिग्मा, एंथर, स्टमन या पॉलन? फटाफट जवाब दीजिए। नवीन कुमार जी, संभावना कह सकते हैं आप कि मार्च लास्ट वीक में, मतलब आप मानकर चल सकते हैं, ठीक है। स्टिग्मा, एंथर, स्टमन या पॉलन, फटाफट जवाब दीजिए। याद कराने के लिए तो स्नेहा कुशवाहा जी, मैं 25-20 बार एक ही शब्दों को बोलता हूं, ठीक है ना। याद रखेंगे जो केसर होता है, केसर किससे प्राप्त होता है, पंखुड़ी, पंखुड़ी जो होता है वही होता है ना, और उसको क्या जनरली हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, है ना। जो स्टिग्मा होता है ना, स्टिग्मा से ही क्या प्राप्त किया जाता है, केसर यानी सैफ्रॉन। और याद रखेंगे ये जो स्टिग्मा है ये किसका पार्ट होता है दोस्तों, स्टिग्मा किसका हिस्सा होता है, ये आपका एंथर का ही क्या होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पर, तो सैफ्रॉन, सैफ्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है दोस्तों, हमारे देश में, जे एंड के, ये भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 49। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, आप फ्लावर वाला लेक्चर जाकर देख सकते हैं, वहां पर पूरा डिटेल में इन तथ्यों को, एक एक चीज को अच्छे से समझाया गया है। Which among the following is the edible part of rice? Rice का खाद्य भाग कौन सा है? Fruit, cotyledon, endosperm या भ्रूण? फटाफट जवाब दें। Question number 49 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे शेयर, लाइक और नए बच्चे सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया उमेश कुमार जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 49, चावल। चावल की जब बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखना सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज इन कटक, एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है, ये है मनीला, फिलीपींस में, ठीक है ना। तो यहां पर आप याद रखना है जो इसका सही जवाब है वो कौन सा है, इंडोस्पर्म, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, यानी कि जिसे हम लोग इंडोस्पर्म कहते हैं, वहीं पर वही भाग खाते हैं हम लोग चावल का, ठीक है ना। और फ्रूट की जब बात करते हैं दोस्तों, तो फ्रूट की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, पोमोलॉजी कहते हैं। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर जी अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर। बुलेट प्रूफ विंडो बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीयूरेथेन्स, पॉलीस्टीरीन या पॉलीएमाइड्स। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन के ऊपर जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, मनीला से वनीला। अच्छा, वनीला क्या, वनीला तो आइसक्रीम होता है आई थिंक। वनीला एसेंट का यूज किया जाता है, याद रखेंगे वनीला एसेंट का यूज किया जाता है किसमें, जो पीएच इंडिकेटर के रूप में करते हैं, कहाँ पर, जो ब्लाइंड जो लोग होते हैं ना, वो पीएच इंडिकेटर के रूप में वनीला एसेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना, जो देख नहीं सकते कलर को, याद रखना है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर सभी बच्चे, काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, जैसे लोकेश कुमार जी ने सही जवाब दिया है, हेमंत मिश्रा जी ने सही जवाब दिया है, काफी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, विकास कुमार जी बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीकार्बोनेट जो है ये इसका सही उत्तर है, पॉलीस्टीरीन से पॉलिस्टर बनाते हैं, ठीक है। और हमारा प्रश्न भी है आपसे यहाँ पर कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट वो किससे बनाया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है वो किससे बनाया जाता है, आप ये बताएंगे। हमने बताया कई बार क्लास में आप लोगों को करवाया है। तो इसके बाद चलते हैं कंप्यूटर जी अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया पवन राव जी, बहुत शानदार। अच्छा राहुल कुमार जी, स्टिग्मा एंथर का पार्ट नहीं है, हो सकता है कन्फ्यूजन हो गया हो, मुझे भी, कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसे देख लेंगे। बहुत बढ़िया, राजू शर्मा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कैलवर। बहुत बढ़िया राजू शर्मा जी, बिल्कुल शानदार जवाब, कैलवर का यूज किया करते हैं किसमें, बुलेट प्रूफ जैकेट में,
बुलेट प्रूफ जैकेट में कैलवर का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन के ऊपर, जवाब दीजिए। जयंत विश्वकर्मा जी, ऐसे नहीं कीजिए, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए, है ना, ये एक छात्र के लिए अच्छी भाषा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रेनकोट में, बिल्कुल, और आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड का। क्वेश्चन नंबर 51, रेड रॉट एरगॉट रोग से जुड़े किसके उससे जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, हेमंत मिश्रा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। प्रियांशी झा लवी जी, बहुत बढ़िया जवाब। अनामिका टिन्ना जी, निधि मिश्रा, रोहन जी, दीपक सिंह जी, बहुत बढ़िया। भरतरी बिंद जी, रामनिवास चौधरी जी, बिल्कुल सही जवाब है इसका, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि सुगर कैन और जो बाजरा है, इस सुगर कैन के अंदर रेड रॉट होता है, बाजरा के अंदर एरगॉट होता है। सुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है दोस्तों? लखनऊ में। जबकि सुगर कैन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है दोस्तों? ये है हमारा कानपुर के अंदर। जब हम लोग बात करते हैं मूंगफली, तो मूंगफली में एक रोग होता है दोस्तों, नाम याद रखेंगे, जिसका नाम है टिक्का रोग। टिक्का डिजीज जो होता है वो कहां पर? मूंगफली में होता है। बंची टॉप किस में होता है? बनाना में होता है। धान में कौन सा खैरा रोग होता है? इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल लाया जाए कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। अगला सवाल, ये सवाल आई थिंक अभी हमने करा भी था, आई थिंक ये दोबारा, दो बार ये सवाल आ गया है, कोई बात नहीं है, इसमें कई नई जानकारियां हम लोग सीख लेंगे, कई नई जानकारी ले लेंगे, इसमें चिंता नहीं करनी है। ठीक है, यहां पर जानकारी, इसका जवाब तो आपको पता ही है, सैंड फ्लाई है, क्योंकि पहले हमने किया। एडिस मॉस्किटो की बात करते हैं दोस्तों, एडिस मॉस्किटो से याद रखना है, एक बीमारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं डेंगू। डेंगू नामक बीमारी कोई हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, क्योंकि इसमें बोन ज्वाइंट में काफी ज्यादा पेन होता है। जो डेंगू जिस वायरस के कारण होता है, डेंगू विषाणु के कारण होने वाली बीमारी, और जिस वायरस से होता है उसे बोलते हैं हम लोग आरबोरी वायरस, ये चीज याद रखेंगे। एनोफिलीज मॉस्किटो की अगर बात करें तो इससे मलेरिया नामक बीमारी होती है, जो कि मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, जिसको खोजा सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। ठीक है ना, और मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं। मलेरिया के उपचार में कोनाइन के दवा का प्रयोग करते हैं, जो कि सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, इसका आप लोग जवाब दीजिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इन नर्व फाइबर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्रों में नर्व आवेगों के संचरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम या जिंक? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार सवाल है। विश्वनाथ रघुवंशी जी बताइए, आदेश कीजिए आप। जयप्रकाश जी के साथ नोट शेयर कर दें, बच्चे जिनके पास भी हो वो इनके साथ नोट शेयर कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, ब्यूटी सिंह बिहार जी बहुत बढ़िया, कैल्शियम बता रही हैं। विकास कुमार गया वाले जी, क्या बात है, नाम के साथ जगह का नाम, बहुत शानदार है ना। सिकता मक्खी बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पर याद रखेंगे काफी बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या है, सही जवाब दे रहे हैं। और इसका सही जवाब है दोस्तों, जयंत जी कोई बात नहीं है, हो जाती है, गुस्से में आदमी बोल देता है, लेकिन गुस्से पर काबू रखना ही एक अच्छे व्यक्ति की खासियत होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, याद रखना, दैट इज ऑप्शन सी, यानी सोडियम, सोडियम इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, अभी देखिए हमारे साथ आपकी अभी अगली क्लास जो है रीजनिंग की होने वाली है, तो रीजनिंग की मैम हमारे साथ जुड़ रही हैं अभी, तो मैम एक बार आ जाइए, बच्चों से रूबरू हो जाइए थोड़ा सा। तो ये मैम है, मैम से थोड़ा दो शब्द आप लोग बात कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो सारे के सारे कैसे हैं? अब हमारी जो क्लास होगी, अभी तो हमारी जीएस वाले सर ज्ञान सर बहुत बेहतरीन आपको पढ़ा रहे हैं, तो लेकिन आपको 2 घंटे से लगातार पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपकी वॉचिंग है ना वो सिर्फ 500 तक भी क्रॉस नहीं हुई है, वो क्या रीजन है? कम से कम आप शेयर तो कीजिए, आपको शेयर बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यदि ज्ञान सर यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, आपको लगातार यहाँ पे खड़ो के बोल के और 2 घंटे लगातार पढ़ा सकते हैं, तो आपका बस एक ही फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद आपकी 4 बजे से तो रीजनिंग की क्लास है ही, आप रीजनिंग की क्लास बिल्कुल देखने आना 4 बजे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मुझे ये चाहिए कि ज्ञान सर की क्लास में एटलीस्ट 500 बच्चे तो बिल्कुल प्रेजेंट हो, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। बिल्कुल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मिलेंगे हम आपसे 4 बजे, लेकिन ज्ञान सर की क्लास है तो कम से कम शेयर कीजिए, 500 बच्चे
ठीक है, 1000 तो ठीक है चले जाएगा, लेकिन 500 तो क्रॉस कराइए। ये तो आपका फर्ज बनता है कि 2 घंटे लगातार सर यहाँ पे बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, तो शेयर कीजिए फटाफट से वीडियो को। ज्ञान सर तो बेहतरीन पढ़ा रहे हैं आपको साइंस, मुझे लगता है इनसे बेहतरीन कोई भी आपको साइंस नहीं पढ़ा सकता, तो बिल्कुल इनसे लगे रहिए, जुड़े रहिए बिल्कुल, और यदि आप इनसे साइंस अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपकी जीएस है उसमें आप कभी भी कोई भी नंबर गलत नहीं लाओगे, ठीक है। चलिए आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो मैम आपसे अभी जुड़ेंगी 4 बजे, ठीक है, तो उसमें आपको बने रहना है। चलिए, तो हमारे पास सवाल लाया जाए कंप्यूटर जी, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका जवाब है दोस्तों, यस, इसका जवाब है दोस्तों आपको सोडियम, उसका जवाब था। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, कहां पर स्थित है यह आपको बताना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंटर जो है ये कहाँ पर इंडिया में स्थित है, ये आपको बताना है। जब हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जो है इसका पूरा मतलब है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और याद रखेंगे ये जो डीएनए है ना, इसकी खोज करने वाले कौन थे, सबसे पहले एम फ्रेडरिक ने करी थी। इसके अंदर जो सुगर पाया जाता है दैट इज डी ऑक्सी राइबोज सुगर, और ये जो सुगर होता है वो किस प्रकार का पेंटोज टाइप का सुगर होता है। इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस मिलता है वो कौन सा, यानी कि जो नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है एक याद रखना है एडेनिन, दूसरा है गुआनिन, तीसरा है थाइमिन, और चौथा कौन सा है साइटोसिन। जबकि आरएनए में साइटोसिन की जगह पर क्या आ जाता है दोस्तों, यूरासिल आ जाता है। इस तथ्य को आप जानते हैं। 54 की अगर बात करें तो इसका आप लोगों को बिल्कुल सही उत्तर पता है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर, यानी हैदराबाद के अंदर ही क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये हैदराबाद में, जबकि पुणे में भारतीय कोशिका विज्ञान संस्थान स्थित है, ये भी आप जानते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आपको जवाब देना है। निम्नलिखित सभी में ना ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मली फाउंड इन यूरिन एक्सेप्ट, यानी कि इसमें कौन सा मतलब यूरिन के अंदर कौन सा पाया जाता है, किसको छोड़कर बाकी सभी चीज पाए जाते हैं यूरिन में, फटाफट जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ठीक है कंप्यूटर की आवाज आ रही है ना, ठीक ठीक है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 55। तो यूरिन की जब बात करते हैं दोस्तों, तो यूरिन का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। यूरिन का येलो कलर यूरोक्रोम के कारण होता है। हमारे बॉडी में 24 आवर्स में कितने लीटर यूरिन बनता है, 1.5 लीटर। यूरिन के अंदर जो यूरोक्रोम होता है इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, हेमोग्लोबिन के नष्ट होने से होता है, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करें तो यूरिन का निर्माण हमारे बॉडी में होता कहाँ पर है, ये किडनी में होता है, ठीक है। तो यूरिन के अंदर क्या मिलता है, यूरिया भी मिलता है, यूरिक एसिड भी मिलता है, सोडियम आयन्स भी मिलते हैं, बट यूरिन में कभी ग्लूकोज नहीं मिलता है, है ना। तो याद रखना है इसका जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन ए, ए जो है हमारा क्या होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो सही उत्तर क्या है, ए। यूरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, क्या है यूरिया का फॉर्मूला, NH2CO NH2। कई बार फॉर्मूले भी पूछ देते हैं, ठीक है ना। तो अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स मैसेज फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड कम्युनिकेट विथ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन हाइपोथैलेमस से संदेश प्राप्त करता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ संचार करता है। ये दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था जब इंडोक्राइन सिस्टम, वहां पर पूरा डिटेल में इन चीजों को सीखा था हम लोगों ने, तो यहां पर बताइए क्या जवाब होगा इसका। चलिए, रामनिवास चौधरी जी, मैं आपका सवाल नहीं पूछ समझ पा रहा हूं, फोटोट्रॉपिज्म हार्मोन के सामोन के कारण होता है ये। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ठीक है, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। हाइपोथैलेमस का एक काम ये भी होता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है ना। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड तो देखिए क्या है, सभी अलग अलग ग्रंथियों को कंट्रोल करेगा, लेकिन मैन जो इसको भी कंट्रोल कौन करता है, उसे करता है हाइपोथैलेमस, यानी कि सब ग्रंथि का कंट्रोल कौन, पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन उसको भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन
ए यानी पिट्यूटरी, थायराइड से थायरोक्सिन सिक्रेट होता है जिसमें क्या आयोडीन नामक तत्व तो मिलता है, जिसकी कमी से क्रेटिनिज्म यानी जड़मानवता नामक बीमारी होती है जिसमें मेंटल और फिजिकल वीकनेस कम हो जाता है। थायराइड ग्रंथि में सूजन तो क्या बोलते हैं, गॉइटर, जो आयोडीन की कमी से होती है। थायमस की बात करते हैं तो थायमस कौन सा, थायमोसिन हार्मोन सिक्रेट करता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, थायमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो याद रखना है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है यानी लिम्फोसाइट बनाता है, ठीक है। और याद रखना है थायमोसिन हार्मोन अगर कम होगा तो एंटीबॉडीज कम यानी इम्यूनिटी कम होगी। कई बार पूछा जाता है एडवियस मतलब वृद्धों में ओल्ड एज में कौन सा ग्लैंड डीएक्टिवेट हो जाता है, तो वो है थायमस। थायमस जो है ओल्ड एज में जाकर डीएक्टिवेट हो जाता है, इस चीज को। या पैनक्रियाज के बारे में आपको पता है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है हमारे शरीर की जो कि एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी सिक्रेट करता है और इसी के द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। इसे ही लैंगरहंस की द्वीपिकाएं या आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस भी कहते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, वाइडल टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, वाइडल टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, वाइडल टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। राहुल कुमार जी, इसके लिए विटामिन डी जो है उसकी कमी से तो एक फोटोफोबिया नामक बीमारी होती है। ये मैं सवाल आपका समझ नहीं पा रहा हूं, एक्चुअली में आपका सवाल है क्या? चलिए, तो ये आप लोगों को पता है इसका जो जवाब है दोस्तों क्या होगा, दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड नामक बीमारी में ही क्या करते हैं हम लोग, वाइडल टेस्ट करते हैं, ये आपको पता है। और जब ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं तो इसमें बीसीजी और डॉट का यूज किया जाता है। टेटनस जो होता है ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। लेप्रोसी विब्री ये माइकोबैक्टीरियम लैप्री, इस किसके कारण होता है, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लैप्री नामक जीवाणु के। ये सारी बीमारियां किसके, जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं, इस तथ्य को भी याद रखेंगे। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी यानी टाइफाइड, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसके बाद टाइफाइड के बाद अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, गाउट ए मेटाबॉलिकल डिजीज ऑकर्स ड्यू टू हाई लेवल ऑफ, गाउट यानी जिसे हम लोग आम भाषा में गठिया कहते हैं, ये किसके कारण होता है, किसके अधिकता के कारण होता है, ये प्रश्न है आपसे, ठीक है। शानू सिंह जी आ गया है, नेक्स्ट जवाब दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। राहुल कुमार जी, मैंने सवाल आपका देखा है बट सवाल को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल, ठंड बहुत ज्यादा है स्नेहा जी, यहां पर तो दिल्ली के अंदर 2 से 3 डिग्री के बीच में टेम्परेचर वैरी कर रहा है कभी कभी। तो इसका सही जवाब है, याद रखेंगे, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की जब अधिकता होती है ना, तो इसी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, उसी से होती है गाउट नामक बीमारी यानी गठिया नामक बीमारी, जिसमें कि बोन ज्वाइंट पर क्या होता है, पेन होता है, ठीक है ना। यूरिक एसिड की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, जब यूरिया की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ती है, यूरिया जब बढ़ता है तो इससे कौन सा बीमारी होता है दोस्तों, यूरीमिया, है ना। और जब ग्लूकोज बढ़ता है तो आपको पता है ग्लूकोज को बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है, ग्लूकोज को बढ़ने से डायबिटीज। और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है ना हमारे ब्लड में, याद रखेंगे, इससे तो कहानी ही खत्म, यानी हार्ट अटैक आ जाता है कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ती है तो उससे क्या होता है, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन ए यानी कि यूरिक एसिड इन द ब्लड इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जवाब दें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जिसमें कौन सा सही से, कौन सा, किसका मिलान सही से नहीं किया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। किसका मिलान सही से नहीं किया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसका जवाब दीजिए। यूरिया, ब्लड में दोस्तों यूरिया की मात्रा जो सामान्य स्तर होता है ना हमारे ब्लड में यूरिया का, वो याद रखेंगे 20 से 40 mg/100 ml होता है। 100 ml में यूरिया की मात्रा जो नॉर्मल लेवल है वो होता है 20 से 40 mg, इस चीज को आप याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बैक्वायरल रेडियो एक्टिविटी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन, लुई पास्टर ब्लड ग्रुप, विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन। आसान सा सवाल है ये, आप लोगों को पता है सभी बच्चों को, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब देंगे सभी बच्चे, और सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे भी रहे हैं, यानी कि करेक्ट उत्तर इसका क्या है, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि बैक्वेरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी है। और रेडियो एक्टिविटी को मेजर किससे किया जाता है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी को हम लोग मेजर करते हैं किससे, तो इसे मेजर करते हैं हम लोग गीगर म्यूलर काउंटर या जीएम काउंटर से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी है, बिल्कुल सही है। लुई पास्टर ने ब्लड ग्रुप की नहीं, बल्कि लुई पास्टर ने किसकी खोज करी है दोस्तों, इन्होंने खोज करी है
रैबीज के टीके की, किन्वन की यानी फर्मेंटेशन की और पास्चराइजेशन की खोज भी किसने, लुई पास्चर ने करी है। ब्लड ग्रुप, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने करी है, ये भी आप याद रखेंगे। जबकि एक ब्लड ग्रुप जो ए बी ब्लड ग्रुप है, जिसे हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहते हैं, वो उसकी खोज डी कैलिस्टो नामक एक वैज्ञानिक ने करी है। विलियम हावे को आप लोग जानते हैं, इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला सवाल लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों, इसका आप लोग जवाब दीजिए। इन ह्यूमन बॉडी द ब्लड इंटर्स द ऑर्टा ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम द, यानी कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में रक्त संचरण प्रणाली के महाधमनी में प्रवेश करता है, यानी कि हर्ट है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि हर्ट से महाधमनी यानी ऑर्टा में रक्त कहाँ से प्रवाहित होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा डिटेल में हमने बताया हुआ है, तो आप इसे बता सकते हैं कि हमारे हर्ट से महाधमनी में रक्त किस हिस्से से प्रवेश करता है। अब जिसने हर्ट को बढ़िया से देखा होगा, हर्ट वाले लेक्चर को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, वही इसका जवाब दे सकता है ना। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, यहां पर गलती करेंगे। बिल्कुल कुमार अक्षय जी, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके साथ बाहर निकलना शुरू होता है, ठीक है। धन्यवाद पिंकू कुमावत जी। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ये हर्ट है ना, हर्ट का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, यहाँ ये हम लोग लेफ्ट वाला, इसे लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, और यहीं से ऑर्टा निकला होता है, इसी पार्ट से ऑर्टा निकला होता है। आप जाकर सर्कुलेटरी सिस्टम वाला लेक्चर देखिए, एसएससी अड्डा चैनल से प्लेलिस्ट में जाकर, वहां पर एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों बायां निलय, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बायां निलय जो है इसका बी इज द राइट आंसर। जितने भी बच्चे बी जवाब दे रहे हैं, अनिकेत जी मेरा नाम ज्ञान प्रकाश झा है, ठीक है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसका दोस्तों करेक्ट उत्तर होगा। बाकी सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दें किसका कितना मार्क्स आया है, सभी बच्चे एक बार कमेंट करें किसका कितना मार्क्स आया है, ठीक है। 50 में से कितने मार्क्स, 60 में से कितने मार्क्स आए हैं किस बच्चे के। और याद रखिएगा दोस्तों, ये आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल थे, 60 महत्वपूर्ण सवाल थे। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में बताएं किसका कितना मार्क्स आया, और सभी बच्चे लाइक भी कर दें सेशन को एक बार, है ना। सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। बहुत बढ़िया, करना भी चाहिए। सोनी साहू जी 52 ला रही हैं, बहुत बढ़िया। जो 50 से ज्यादा होगा जो, उसका मैं नाम लूंगा। मुझे बस अभी तक एक ही बच्चा दिखा है 50 से ज्यादा वाला, बाकी 47। हेमंत मिश्रा जी 52 हैं, बहुत बढ़िया। राजेश कुमार सोनी जी बहुत बढ़िया, 50 मार्क्स है, बहुत बढ़िया। आरोही सिंह जी 59, अरे वाह। विकास वर्मा जी 51, पेपर आउट हो गया था क्या आपका, 59 आ गया। हेमंत मिश्रा जी बहुत बढ़िया। अभय चौनकर जी बहुत शानदार। गौरव सिंह जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल राजेंद्र जी बहुत बढ़िया। चेतन झा जी चलिए बहुत शानदार, जिन्होंने भी, राजा पटेल जी बहुत बढ़िया। बिल्कुल अभी आपके साथ, अब कुछ समय के बाद सेशन स्टार्ट होगा आपका रीजनिंग का, तो आप लोगों को बने रहना है दोस्तों। हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो दोस्तों मजा आया था, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर करते रहिए। नए बच्चे जो हैं वो एसएससी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, कल की क्लास में, नए सवालों, नए कॉन्सेप्ट और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, एंड सभी को बाय बाय।
हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि LMRC लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसे आप UPMRC उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं, इसका एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो चुका है। इसलिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक 15 डेज का सिविल क्रैश कोर्स, जिसमें हम करने वाले हैं 30+ आवर्स की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, 250+ प्रैक्टिस क्वेश्चन, लाइव रिविजन्स, और जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उन सभी की आपको PDF मिलेगी। और किसी भी तरह का स्पेशल डिस्काउंट पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड Y173।